गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डायरेक्शन। अब हमें इसमें क्या डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। आपके राइट साइड में क्या है, ये ईस्ट है, ठीक है, और अर्थ के लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्ट है, और अर्थ के क्या ऊपर साइड में क्या है, नॉर्थ है, और नीचे साउथ, ठीक है। ये क्या होती है डायरेक्शन। इसको आप सिंपली जैसे बोल सकते हैं, जैसे सन क्या करता है, सन राइज इज इन द ईस्ट। जिधर जिस डायरेक्शन से सन निकलता है सुबह, उस डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। और जिधर सनसेट होता है उसको, उस डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब ऊपरी साइड में क्या, कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, और नीचे साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ, ठीक है। वेन यू प्लेस अ मैप ऑन अ टेबल, द टॉप ऑफ द मैप इज द नॉर्थ डायरेक्शन, द बॉटम ऑफ द मैप इज द साउथ, द राइट साइड ऑफ द मैप इज द ईस्ट, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ इज द बेस्ट। अब जब अगर हम कोई मैप टेबल पे रखते हैं, ठीक है, तो इसके क्या, इसके जो राइट साइड में होगा वो क्या होगा, मैप के, ये जैसे मैप है, ठीक है, मैप का राइट साइड ये है, मैप का लेफ्ट साइड ये है, ऊपर का साइड ये है, ठीक है, टॉप साइड ये है, और मैप का बॉटम साइड ये है। तो अगर हम डायरेक्शन मैप में अगर हम फाइंड करते हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि मैप के राइट साइड में क्या होगा, मैप के राइट साइड में ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है, और मैप के लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगी। मैप के टॉप साइड में क्या होगा, ये आपका टॉप एरिया है मैप का, तो ये क्या होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, और ये मैप का आपका बॉटम एरिया है, ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होगी, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी डायरेक्शन। अब इसकी सब डायरेक्शंस भी होती हैं। अब सब डायरेक्शन क्या होती, मतलब जैसे कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच की ये क्या होगी, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, सब डायरेक्शन, ठीक है। ये इधर की ऐसे, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपकी सब डायरेक्शन है। ये जो है मेन आपकी, ये मेन डायरेक्शन है, और ये क्या है, आपकी सब डायरेक्शन है, ठीक है। अब साउथ और ईस्ट के सब डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्ट और ईस्ट साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इस सब डायरेक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, वेस्ट साउथ डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये जो आपकी है, ये है आपकी मेन डायरेक्शन, ये आपकी जितनी है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, ये क्या है आपकी, ये आपकी सब डायरेक्शन है, ठीक है, जो आपकी डायरेक्शन के बीच में रहती हैं, ठीक है। इन दो मेन डायरेक्शन के जो बीच में डायरेक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द थिंग दैट आर शोन इन द मैप्स, दैट्स वाई स्केल्स आर यूज, ठीक है। तो स्केल क्या होती है, ये रेशियो होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, ग्राउंड जो हम लोग एक स्केल मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए लखनऊ टू कानपुर, ठीक है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब ये बताइए, अब ये 200 किलोमीटर इतनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, इसे हम किसी भी मैप में हम लोग इसको एज इट इज़ इतने किलोमीटर हम नहीं शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए स्केल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने मान लीजिए ये हमारी, हमने स्केल बनाई 0 to 5 सेंटीमीटर, क्या होगा, ये हमारा बराबर होगा 15 किलोमीटर की, ठीक है। ये हमने एक नॉर्मल एक स्केल मान ली, मतलब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। अब इससे क्या होगा, इससे हमारी डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। हम लोग सेंटीमीटर में तो आराम से मैप में कुछ मैप में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो स्केल मान लिया, ठीक है, इसी तरह क्या होगा, 5 × 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 50 किलोमीटर ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम स्केल मानते हैं। अब हमें इसी स्केल के इस स्केल को हम लोग यूज़ करके कोई भी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस को, कितनी भी लंबी डिस्टेंस हो उसको हम लोग मैप में शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल। सिंबल हैव बीन डेवलप टू रिप्रेजेंट सम फीचर्स ऑन द मैप। सिंबल क्या है, सिंबल इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम मैप में किसी भी चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या एक सिंबल बनाते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमें ये डिजर्ट रीजन हमें अगर शो करना है मैप में, तो हमने ये क्या किया, जैसे ये पॉइंट पॉइंट बना के ये हमने क्या किया, इससे हम उस एरिया को
हमने अगर किसी हमने अगर मैप में अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ये डिनोट कर दिया ये, ठीक है, ये पॉइंट पॉइंट, तो इससे हमने क्या डिनोट किया, ये क्या हो गया, ये हमारा जो पॉइंट पॉइंट है ये क्या, ये सिंबल है, ये क्या डिनोट करता है, ये डेजर्ट रीजन को डिनोट करता है, ठीक है। सो व्हाट इज सिंबल, सिंबल इज अ साइन विच रिप्रेजेंट समथिंग, ठीक है। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, सिंबल टू शो माउंटेन्स रिवर्स लेक्स डैम्स ब्रिजेस टेम्पल चर्चेस रेलवे। अब इससे हम किस कौन कौन से, इससे हम बहुत सारी चीज़ें शो कर सकते हैं, जैसे माउंटेन्स पहाड़, पहाड़ों के लिए क्या है, जैसे कि इसमें पहाड़ों के लिए हम लोग क्या सिंबल बना सकते हैं, मान लीजिए ऐसे हमने बना लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा सिंबल हो गया किसके लिए, माउंटेन के लिए। रिवर के लिए हम कैसे सिंबल बनाते हैं, रिवर के लिए हम ऐसे ऐसे सिंबल बनाते हैं, ठीक है, ऐसी झील के लिए मान लीजिए ऐसे, तो ये क्या, ये सब चीज़ें सिंबल होती हैं, ठीक है। इससे क्या हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलर्स। जैसे कि हम मैप में क्या कर, हम मैप में कलर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ये देखिए ये सब क्या है, हम मैप में डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, कितने सारे कलर्स यूज़ किए गए हैं ना, कितने अलग अलग तरह के कलर, ये सब क्या है, ये हम सब लोग मैप में किसी भी स्टेट को या किसी भी पर्टिकुलर रीजन को हम लोग डिनोट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि सागर हो गए, ठीक है, रिवर हो गई, ये सब क्या है, ये सब जैसे पानी है, वाटर है, वो क्या, वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए जैसे जो वाटर बॉडीज़ होंगी वो क्या होंगी, वो ब्लू कलर से हम लोग कलर करते हैं मैप में, ठीक है। अब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट मतलब ग्रीनरी, ठीक है, पेड़ पौधे क्या ग्रीन होते हैं, तो अगर हमें उसको अगर हमें शो करना है मैप में, तो हम किस कलर का यूज़ करेंगे, हम डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब माउंटेन्स हिल्स डेजर्ट ये सब क्या है, माउंटेन्स नॉर्मली हम लोग ब्राउन कलर का यूज़ करते हैं ना, तो हमें माउंटेन्स और इन सब को डिनोट करने के लिए हम किस कलर का यूज़ करेंगे, हम लोग ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लेन्स जितना भी ये देखिए, ये आपका ये क्या है, ये एरिया आपका क्या होगा, प्लेन्स होगा, ठीक है, जितना भी समतल एरिया होगा, ठीक है, मतलब प्लेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग किस रंग से डिनोट करेंगे, हम लोग येलो कलर से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग प्लेट्यू क्या है, रेड, ठीक है, प्लेट्यू को हम किसे रेड कलर से हम लोग डिनोट करते हैं। प्लेट्यू होता क्या है, प्लेट्यू जो हमारी जो प्लेन एरिया है, ठीक है, उससे थोड़ा उठा हुआ भाग होता है, ठीक है, समतल उठा हुआ और ऊपर से चपटा, ठीक है। लेकिन जो हमारा माउंट एवरेस्ट या माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस से क्या होगा, वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू मतलब जो प्लेन एरिया है उससे थोड़ा उठा हुआ, लेकिन उसकी ऊंचाई पहाड़ों से माउंटेन से उसकी ऊंचाई कम होती है, ठीक है, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यू, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।